और आज उस कड़ी में एक और नई चीज जुड़ गई है, वो है प्रियकांत जू शांति एकता पुरस्कार। जी हाँ, आज का समारोह इस दृष्टि से भी विशेष है। राधे राधे। ब्रजवासियों में शाम बंसरी बजाए जा, मस्तियां उबल पड़ी मत भरी अदाओं से, प्रेम रस बरस पड़ा मंचली हवाओं से, मुस्कुरा रही है शाम शाम मुस्कुराए जा। राधे राधे। नमस्कार। वृंदावन की पावन धरा पर विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित श्री प्रियकांत जू दिव्य दर्शन महोत्सव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप जानते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत हम संगीत एवं नृत्य के माध्यम से संस्कृति की अगर बात की जाए तो उसका प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज का दिन, जैसा कि मैं आपसे साझा कर रही थी, विशेष है। और वो इसलिए क्योंकि आज प्रियकांत जू शांति एकता पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। इस पुरस्कार वितरण के पीछे उद्देश्य हमारा यही था, महाराष्ट्र यही चाहते थे कि वे लोग जो विकट परिस्थितियों में अपने अपने क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास भी ऐसा जिससे मानव कल्याण हो, समाज सेवा हो और साथ ही साथ देश सेवा भी हो, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए और सम्मान के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे भी आगे और काम करते रहें और लोग भी उनको देखकर आगे आएं। तो आज का दिन इस लिहाज से विशेष है बिल्कुल हम सब के लिए। और इससे पहले कि आपको हम बताएं कि किन लोगों को किन क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाएंगे, मैं सबसे पहले अभिवादन करूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रामकृपाल यादव जी का, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अब मैं महाराष्ट्री और आदरणीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी, कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। करतल ध्वनि के साथ आप भी आज के समारोह के न केवल साक्षी बनिए बल्कि प्रतिभागी बनिए। राधे राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नम् सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणा फलचारुभक्षणम् उमासुतम् शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। गणेश वंदना प्रस्तुत की डॉक्टर संजय द्विवेदी जी ने, जो भोपाल से आए हैं। अब मैं महाराष्ट्र जी और मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी, कृपया आप लोग मंच पर ही रहें क्योंकि हम कुछ ही क्षणों में पुरस्कार वितरण आरंभ करेंगे। महाराष्ट्र जी से पहले मेरा अनुरोध है, कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। राधे राधे। दूर बैठे हुए लोगों को देखने के लिए आंखें चाहिए, ठंड से बचने के लिए लोग टेंट में बैठे हुए अंदर जाके, राइट। और अभी कुछ लोग तो मैं देख रहा था शिविर से बेचारे सोच रहे जाएं कि नहीं जाएं, ठंड कुछ ज्यादा ही है, राइट। नहीं, लेकिन अच्छा है, अब सर्दी के दिन है, इनमें कुछ नहीं सर्दी लगेगी तो फिर कब लगेगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मंत्री जी श्री रामकृपाल जी, बहुत पहले मैं पटना में मिला था,
कथा हो रही थी गांधी मैदान में, तब मैंने आपसे निवेदन किया कि आपको श्रीधाम वृंदावन में उपस्थित रहना है, तो आपने बहुत स्नेह से कहा था कि ठाकुर जी आप कह रहे हैं तो हर कंडीशन में चाहे मुझे कभी भी आना पड़े मैं आऊँगा, तो उसके लिए आपका स्वागत है, धन्यवाद है। और आपके भी भाग्य हैं कि आप वृंदावन में पधारे, क्योंकि इस पावन धरा पर ठाकुर जी जब तक इन्विटेशन न भेजे तब तक कोई आ नहीं सकता। हमने इन्विटेशन तो बहुतों को दिए थे, लेकिन आए वो हैं जिनकी किस्मत में कुछ अच्छे कर्म लिखे हैं, वो लोग यहाँ पहुँचे हैं और वो इस दिव्य उत्सव में इन्वॉल्व हुए हैं, तो आप उनमें से एक हैं, तो आपका स्वागत है। और जितने भी हमारे अतिथिगण पधारे हैं, एक एक का नाम लूँगा, बहुत समय हो जाएगा। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे जो जज यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आपने और हमने मिलकर वहाँ पर डिसाइड किया था कि किस किस को ये पुरस्कार दिया जाए। आप सभी जज महोदयों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका वेश कीमती समय जो आपने हमको दिया है ये कम नहीं है। आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का प्रेम है जो आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो वृंदावन की इस पावन भूमि में मैं सभी ब्रजवासियों की तरफ से और अपने लाला ठाकुर की तरफ से, कन्हैया की तरफ से, ब्रजभाषा में कहूँ तो आप सबको स्वागत है। आप यहाँ पधारे, हमारी जो अतिथि सेवा है वो आप लोग देखें, हो सके तो यही सोचना कि ठाकुर की नगरी में आप जब पधारे हैं तो अवश्य कुछ न कुछ अच्छे कर्मों को आप लोगों ने जरूर किया होगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पधारे हैं। और यहाँ आकर जो अच्छा कर्म हुआ है उसका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग आए हैं उन सबका स्वागत है। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपके स्वागत संबोधन के लिए। और जैसा कि हमने जिक्र किया, आज पुरस्कार वितरण समारोह हमने आयोजित किया है, तो उसी क्रम में सबसे पहले आमंत्रित करने जा रहे हैं। श्रेणियों के विषय में थोड़ा सा आपको बताते चलें, इसमें हमने 5 श्रेणियां रखी हैं। संगीत के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं अतुलनीय, उन्हें हमने प्रयास किया पुरस्कृत करने का। इसके अलावा सोशल सेक्टर की अगर बात की जाए तो सामाजिक क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं विभिन्न रूपों में, उनको भी सम्मानित करने की कोशिश कर रहा है विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके अलावा खेलों की अगर बात की जाए तो उसमें भी, जैसा कि हमने कहा कि कितनी चुनौतियां रहती हैं, अभाव रहता है, तब भी बहुत से खिलाड़ी हैं जो प्रयास करते हैं कि देश का नाम ऊँचा हो, तो हमने उनके लिए भी कोशिश की है पुरस्कृत किया जाए। इसके अलावा एक हमने उसमें रखी है श्रेणी लार्जर देन लाइफ, जिसमें जो लोग जीवन, आपको शीर्षक से अंदाज़ा हो जाएगा लार्जर देन लाइफ की, जीवन से ऊपर उठकर कुछ ऐसा बड़ा प्रयास जो सबके लिए फलदायी हो, वो एक हमने श्रेणी रखी है। और साथ ही मीडिया, आज के समय में 5वां स्तंभ जिसे कहा जाता है, वो प्रयास कर रहा है किस तरह से लोगों तक जानकारी सही तरीके से पहुंचे, तो हमने एक कैटेगरी, एक श्रेणी उसकी भी रखी है। तो आरंभ करने जा रहे हैं संगीत की श्रेणी से, जिसमें उस्ताद कमाल साबरी और साथ ही डॉक्टर संजय द्विवेदी, जिन्होंने अभी गणेश वंदना प्रस्तुत की, इन दोनों को पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है। तो इनके विषय में छोटी सी क्लिपिंग आपको दिखाएंगे पहले और फिर उनको आमंत्रित करेंगे। सारंगी, इंसान की आवाज के सबसे नजदीक वाद्य, जिसकी एक तान आपके दिलो दिमाग पर ऐसा असर करती है जिसे आप भूल नहीं सकते हैं। और इस आवाज के सबसे बड़े फनकार हैं उस्ताद कमाल साबरी। कमाल साबरी सारंगी के सबसे बड़े नाम उस्ताद साबरी खान साहब के बेटे तो हैं ही, लेकिन उन्होंने अपने पिता से अलग वो मकाम बनाया है जिस पर किसी भी पिता को गर्व हो सकता है। सेनिया घराने की 7वीं पीढ़ी के कमाल साबरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारंगी को स्थापित किया है। कमाल साहब ने महज 5 साल की उम्र से ही सारंगी के तारों को छेड़ना सीख लिया था। इसके बाद वो बहुत कम उम्र से ही देश के बड़े से बड़े समारोह में शिरकत करने लगे। स्विट्जरलैंड की आर्ट ऑफ द बोस समारोह में उनके सारंगी वादन ने दुनिया के बड़े नामों को मोहित कर दिया। साबरी साहब ने वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, बीबीसी मिलेनियम कंसर्ट, एशियन पैसिफिक फेस्टिवल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम रोशन किया है। चीन के राष्ट्रपति, नार्वे के प्रधानमंत्री से लेकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और आर वेंकट रमन ने भी उनके सारंगी वादन की सराहना की है। इसके अलावा कमाल साहब ने मेल गिब्सन और मोनिका बेलुकी के डॉक्यूमेंट्री के लिए भी संगीत दिया है। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट उनके सारंगी वादन के जरिए देश का सम्मान बढ़ाने के लिए साधुवाद देता है। Thank you.
आपने इंग्लिश में रॉक बैंड सुना होगा, पंजाबी और हिंदी में भी पॉप म्यूजिक सुना होगा, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि संस्कृत में भी कोई म्यूजिक बैंड हो? तो इस कल्पना को साकार किया है संजय द्विवेदी की टीम ने। संजय ने संस्कृत बैंड ध्रुवा बनाकर देश में लुप्त हो रही संस्कृत भाषा को नया जीवन देने का ऐसा काम किया है जिसे सरकार और आम जनता से भी काफी सराहना मिली है। संजय द्विवेदी का ये ध्रुवा बैंड ऋग्वेद की ऋचाओं और श्लोकों को कंटेम्पररी म्यूजिक स्टाइल में ढालकर लोगों को संस्कृत भाषा की ताकत का एहसास करा रहा है। ध्रुवा बैंड ने भोपाल, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में युवाओं के बीच अपना शो कर लोगों को अपनी भूलती बिसरती भाषा के प्रति जागरूक करने का ऐसा कार्य शुरू किया है जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। छोटी सी क्लिपिंग देखिए हमारे संगीत श्रेणी के जो दो पुरस्कार ग्रहण करता रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक सूचना आप लोगों के लिए। हमारे बीच उमेश खंडेलवाल जी, प्रभारी भाजपा युवा मोर्चा अंडमान निकोबार व सह प्रभारी उत्तर प्रदेश, साथ ही आशुतोष राय जी, भाजपा युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, आप दोनों हमारे बीच हैं, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। और अब आमंत्रित करने जा रहे हैं उस्ताद कमाल साबरी जी को करतल ध्वनि के साथ, उनका अभिवादन कीजिए। प्रिय कांतजू शांति एकता पुरस्कार 2016 के अंतर्गत पुरस्कार स्वरूप महाराज श्री मंत्री महोदय शॉल भेंट करेंगे सबसे पहले उस्ताद साबरी को। महाराज श्री से अनुरोध है जी, मंत्री जी से अनुरोध है कृपया स्मृति चिन्ह भेंट करें, और साथ ही 51,000 रुपए की राशि जो है वो भी प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत बधाई उस्ताद कमाल साबरी जी। और अब आमंत्रित करेंगे डॉक्टर संजय द्विवेदी जी को ध्रुव बैंड के सर्वे सर्वा। डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, आप सबसे निवेदन करूंगा ताली मत चूकिए, ताली बजाते रहिए ठंड मुझे, और एक और ताली बजाओगे तो ठंड कम लगेगी, थोड़ी मेहनत होगी, बॉडी वर्किंग करेगी तो साल ओढ़ लो कितनी भी ठंड लगेगी, ताली जोर से बजाते रहिए। मंत्री महोदय डॉक्टर संजय द्विवेदी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए और साथ ही महाराष्ट्री अब उन्हें राशि भी भेंट करेंगे। और अब इससे पहले कि हम अगली श्रेणी की तरफ बढ़े, मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री एम एल सोनी जी को और साथ ही अग्रवाल जी को, कृपया आप दोनों मंच पर आएं। आर के जैन जी से भी अनुरोध है कृपया आप भी मंच पर आएं और हमारे कलाकारों का प्रोत्साहन करें, उनका और मनोबल बढ़ाएं जी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली श्रेणी की तरफ जो है सोशल सेक्टर, और आपको दिखाते हैं ये ऑडियो विजुअल क्लिप। तेजाब किसी को भी झुलसा सकता है, लेकिन अगर किसी के दिल में नफरत हो और वो किसी पर तेजाब से हमला करे तो वो सिर्फ शरीर को नहीं किसी की आत्मा को, जिंदगी को झुलसा देता है। हमारे देश की महिलाएं आज इसी तेजाबी आतंक के साए में जी रही हैं। हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़की की जिंदगी को तेजाब से जलाया जा रहा है, और यह अपराध समाज के अंदर पल रहे उस घिनौनेपन को दर्शाता है जिसके गुनहगार के लिए कोई सजा कम है। लेकिन हम
किसी भी एसिड अटैक की शिकार लड़की को देखकर उसके लिए संवेदनशील तो होते हैं, लेकिन कम ही लोग ऐसे हैं जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाते हैं। समाज से दूर हो चुकी इन लड़कियों के लिए आशा की किरण है स्टॉप द एसिड अटैक संस्था। ये संस्था देश के उन 5000 से भी ज्यादा महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए दिन रात कार्य कर रही है, जिन्हें एसिड अटैक की वजह से अंधेरे में हीन मानसिकता के साथ जीना पड़ रहा था। ये संस्था इन महिलाओं को सम्मान के साथ जीने की राह दिखाती है। ये संस्था सबसे पहले एसिड अटैक के शिकार लड़कियों का पता लगाती है, इसके बाद उनकी चिकित्सा के साथ साथ पुनर्वास के लिए भी प्रयास करती है। इसी की वानगी है इनके द्वारा खोला गया आगरा में शी हीरोज कैफे। इस कैफे को एसिड अटैक की शिकार लड़कियां ही चलाती हैं, ताकि वो समाज के साथ जुड़कर सम्मान के साथ रह सके। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट भी उनके इस पवित्र कार्य के लिए हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। हमारी शुभकामनाएं स्टॉप द एसिड अटैक्स के साथ है। खेल खेल में समाज सेवा की जा सकती है? नहीं ना, लेकिन खेल खेल में पीटर ने जो कर दिखाया है वो शायद ही कोई कर सके। पीटर सिल्वेस्टर, जी हाँ यही नाम है इस शख्स का, और इन्होंने फुटबॉल के जरिए समाज को सुधारने का संकल्प उठाया है। वो भी महज 13 साल की उम्र से ही। पीटर की संस्था माय एंजल्स एकेडमी उन गरीब बच्चों का फुटबॉल के जरिए भविष्य सवार रही है जिनका अतीत अंधेरे में रहा है। उन गरीब बच्चों को जो स्लम्स में, कूड़े में, जो सड़कों पर अपने वर्तमान को झेल रहे थे, उन्हें फुटबॉल और शिक्षा दिलाकर उनका कल संवारने का काम पीटर कर रहे हैं। पीटर की संस्था माय एंजल्स दिल्ली के विकासपुरी में 120 से ज्यादा स्लम्स के बच्चों को न सिर्फ पढ़ाती लिखाती है, बल्कि उन्हें फुटबॉल के जरिए जिंदगी में अनुशासन भी सिखाती है। ये उनका ही कारनामा है कि उनके बच्चे आज फुटबॉल के सबसे बड़े क्लब्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना और लिवरपूल के लिए सेलेक्ट हुए हैं। पीटर न केवल उन्हें फुटबॉल सिखाते हैं, बल्कि उन्हें स्वच्छता, जेंडर इक्वालिटी और डांसिंग और इसके अलावा पेंटिंग्स की शिक्षा देकर उन्हें बेहतर इंसान भी बनाते हैं। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट उन्हें उनके इन कार्यों के लिए शुभकामनाएं देता है। अब सबसे पहले आमंत्रित करेंगे स्टॉप एसिड अटैक छानवा फाउंडेशन के सदस्य आएं और कृपया मंच पर पुरस्कार ग्रहण करें। इतना बड़ा प्रयास ये लोग कर रहे हैं, आप तालियों के माध्यम से प्रोत्साहन तो कीजिए। बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय मंत्री महोदय से अनुरोध, कृपया शॉल भेंट कर स्वागत करें। साथ ही और साथ ही मंत्री महोदय उन्हें 51,000 रुपये की राशि भी पुरस्कार स्वरूप भेंट करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही शुभकामनाएं भविष्य के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आमंत्रित करेंगे सिल्वेस्टर पीटर जी को, कृपया आएं और पुरस्कार ग्रहण करें। करतल ध्वनि के साथ इनका भी अभिवादन कीजिए। और साथ में कुछ बच्चे भी हैं, हम कहते हैं बच्चे देश का भविष्य हैं, तो किस तरह से उनकी नींव तैयार हो रही है, अनुशासन सिखाया जा रहा है खेलों के माध्यम से। आप देख सकते हैं इन सबने जैकेट्स पहने हैं माय एंजल्स एकेडमी के, जिसके माध्यम से ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री जी शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अब महाराष्ट्री से अनुरोध, कृपया राशि भेंट कर
अभिवादन करें। श्री राधे, सभी को नमस्कार। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत खुशी का मौका है। और मैं ये इसलिए मैंने माइक लिया कि क्योंकि हमारे देश में हमेशा ये कहा जाता है कि ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। और आपको बता दूं, जब मैं 13 साल में शुरू किया था, 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा जाने तक 10 से भी ऊपर साइकेट्रिस्ट जो दिमाग जो जिसका ख़राब हो जाता है उनको जो ट्रीट करते हैं, उनके विजिटिंग कार्ड्स मेरे घर में आ गए थे। तो 12वीं कक्षा तक मेरे को बिल्कुल ही पागल करार दे दिया था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि माई एंजल्स अकेडमी के थ्रू जो ये बच्चे हैं, एक भी बच्चा गाली नहीं देता, एक बच्चा गाली नहीं देता। और आज भी ये उसी माहौल में रहते हैं, कोई सीसीटीवी नहीं है। इनका सीसीटीवी जो चिप है इनके हार्ट में लगा दिया गया है। और हमारे पास ग्राउंड भी नहीं है। ये हम 3:30 बजे सवेरे उठते हैं, क्योंकि जब 3:30 बजे जब उठते हैं तब कोई ग्राउंड में कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और जितने टॉप इंटरनेशनल एकेडमीज हैं दिल्ली में और वहाँ, उनको सब उन्हीं के मैदान में जाके हराते हैं। ये बच्चे वो हैं जो कूड़ेदान में रहते हैं ज़रूर, लेकिन एक टॉफी आप देंगे उसका जो कागज़ है उसको भी वो डस्टबिन ढूंढते हैं। ये संदीप है, मैं थोड़ा सा मिलाना चाहता हूँ। संदीप सिग्नल में भीख मांगता था और शाम को चोरी भी करता था और कभी पकड़ा भी नहीं गया, क्योंकि ये बहुत फास्ट था, बहुत स्पीड थी इसकी रेस। आज इंडियन बैंक में ऑफिसर है। और सिर्फ ऑफिसर नहीं है, ये जब ज्वाइन किया अभी 1 साल ही हुआ है, 18 साल हो गए इसको मेरे साथ। मैं जब स्कूल में था और मतलब तब से मतलब कॉलेज में ये मिला मेरे को जब ये बहुत छोटा था। तो ये 50% ऑफ हिज सैलरी, मतलब 50% अपना सैलरी भी माई एंजल्स में बच्चों को दे रहा है। और दिन रात 24 मतलब दिन रात मेहनत कर रहा है दूसरे बच्चों के लिए। संदीप जैसे हमारे देश में बहुत गर्व की बात है, संदीप जैसे लोग भी अगर उनको थोड़ा सा मौका, प्यार का बहुत ताकत होता है। और विवेकानंद जी ने कहा था कि यू नो आप प्रेयर मत करो, जाके फुटबॉल खेलो। उनको पता था वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जीवन की हार कैसे सिखा सकते हो। जीवन की अगर हम शांत है और उनको शांत है तो सभी शांत है, भाषण हो जाएगा। लेकिन मैं इसको यूं प्रोवोक करूं और उसके बाद इसका एटीट्यूड शांत कर दूं तो वो कहीं भी शांत रहेगा। तो ये मोहम्मद तंजीर है, ये एक टाइम में ड्रग एडिक्ट था, ड्रग एडिक्ट ही नहीं था, ये ड्रग्स लेके MCD के बिन में जाके सो जाता था। आज इंटरनेशनल लिवरपूल एकेडमी ने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। और इसको 5 साल लगा, इसका नाम कूड़ा, हर कोई कूड़ा ही बुलाता था, लेकिन 5 साल लगे मोहम्मद तंजीर का नाम न्यूज़पेपर और मीडिया में आने लग गया, तो इसका नाम वापस मिल गया इसको। और पूजा फरजाना ये सब इनका बहुत सेकुलर थे, ये भीख मांगने में आपका कहीं भी मतलब कोई भी जगह में ये लोग थे। लेकिन आज इनको चकदे गर्ल्स के नाम से बोला जाता है, क्योंकि अमेरिकन स्कूल एम्बेसी के जो हैं उनको हरा दिया फुटबॉल में। और भरतनाट्यम श्रीराम सेंटर दिल्ली का बहुत टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ हमारे एंजल्स कभी, एंजल्स में अपने बच्चों को बोलता हूँ माइंड से, ये बच्चे कभी भी जाके कहीं भी कंपटीशन होता है तो हम कभी ये नहीं बोलते हैं स्लम के हैं, बेचारे हैं, थोड़ा सा दे दो। नहीं, कंपटीशन सिर्फ मैं एक ही बोलता हूँ, रेस में हमें सिर्फ उस रेस में खड़े होने के लिए जगह दे दिए, बाकी हम कर देंगे। बस वो मौका दे दीजिए हमें, वो रेस में भाग लेने की, सिर्फ हमें पार्टिसिपेशन का भाग दे दीजिए। तो ये लोग श्रीराम सेंटर में भरतनाट्यम भी सीख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ये हमारे देश में, क्योंकि बाहर से आके हमारे देश को कोई नहीं साफ करेगा, ये हम और आप हैं जो हमारे देश को साफ कर सकते हैं। और ये संभव है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये संभव है। देखिए ये हो चुका है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। इसी तरह से पीटर जी आप प्रयास करते रहिए, सच में पूरा देश इस समय आपके साथ है और बहुत मन से फख्र, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको देख के तो मुझे लग रहा है कि हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो बाकी कुछ नहीं है,
मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इन लोगों को, इनकी जो जज्बा है उसको सीरियसली प्रणाम करता हूँ। और महाराष्ट्र, देखिए स्वच्छता की बात यहाँ पर हुई, मंत्री महोदय हमारे साथ हैं। मैं समझती हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्वच्छ भारत। मैं मंत्री जी से ये भी प्रार्थना करूंगा जी, स्वच्छता पे तो हम लोग बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया जी। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, अगर दिल्ली में जाके हमारा एक मैसेज दें कि इन ऐसे बच्चों को एक ग्राउंड जरूर मिल जाए दिल्ली में, जिससे इन्हें किसी के ऊपर विवश ना होना पड़े, प्लीज इनको एक ग्राउंड जरूर मिले। 3:30 बजे सुबह नहीं उठना पड़े। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे सिल्वेस्टर पीटर जी ने अभी कहा कि असंभव को संभव कैसे बनाना है, उसके लिए सिर्फ आपको दृढ़ संकल्प चाहिए होता है। हम सोशल सेक्टर कैटेगरी में अब जिनको आमंत्रित करने जा रहे हैं, उनके विषय में भी यही कहा जाएगा कि जब हम धर्म कर्म की बात करते हैं तो हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जीवन यात्रा जो है, पूरी यात्रा हमारी तभी सफल मानी जाती है जब अंतिम पड़ाव जो उसका है वो भी गरिमामय हो, यानी मृत्यु जो आदमी को मिले वो भी इज्जत से भरपूर हो। लेकिन सबको ये नसीब होता नहीं है। हम आमंत्रित करने जा रहे हैं भगवान दास चौधरी जी को, जिनके विषय में आपको बताएं कि वो लोग जो जिनकी लाशें यहाँ वहाँ रहती हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता, देखने वाला नहीं होता, भगवान दास जी उनको उठा के पूरा जिसे कहना चाहिए उनका क्रियाक्रम करते हैं, पूरे नियम अनुष्ठान के साथ में, विधि विधान के साथ में, उनके लिए बाद में और भी प्रयास करते हैं, अमावस्या पर उनके लिए यज्ञ करते हैं और बहुत सी कोशिशें करते हैं। अब तक 600 लोगों के विषय में वो ऐसा मृतक जो हैं, जो शव हैं, उनको वो वाकई एक बहुत ही गरिमामय ढंग से पहुँचा चुके हैं। बहुत प्यारी कोशिश है अपने आप में, तो हम वाकई उनकी इस कोशिश को क्या कहें, नमन ही कह सकते हैं कि गरिमा में जीवन की बात होती, लेकिन मुक्ति का मार्ग किस तरह से प्रशस्त हो शायद ही कोई इस विषय में सोचता हो। कहां से ये उनका सफर शुरू हुआ, कैसे उनके मन में ये बात आई, मंच पे जब वो आएंगे उनसे हम पूछेंगे। तो आमंत्रित करने जा रहे हैं भगवान दास चौधरी जी को, जो भारतीय किसान यूनियन के नगर अध्यक्ष हैं वृंदावन में। भगवान दास चौधरी जी, जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। जीवन पे हमारा जोर है, मृत्यु पर नहीं है। प्रार्थना करते हैं कि सबको गरिमा में जीवन मिले, गरिमा में अंत मिले। भगवान दास चौधरी जी, माननीय मंत्री महोदय, शॉल भेंट कर उनका अभिवादन करते हुए और साथ ही पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए, महाराष्ट्र से अनुरोध करेंगे कृपया 51,000 रुपये की राशि भी उन्हें भेंट करें। भगवान दास जी, आपसे अनुरोध करेंगे कृपया बताएं हमारे सभी दर्शकों को किस तरह से आपका ये क्रम शुरू हुआ। राधे राधे। 2010 की बात है, 2010 जनवरी, मेरी पत्नी मैम मथुरा में कार्यक्रम में जा रहे थे। उस समय सेवाधर्म हॉस्पिटल है वृंदावन में, वहाँ पर एक लावारिस हमारे बाबा पड़े हुए थे, तो उनको 2-3 ऐसा लग रहा था कुत्ते सूअर खा रहे हैं। मेरी पत्नी की निगाह पड़ी, मेरी पत्नी बोली देखना कोई बाबा को जानवर खा रहे हैं। तो मैंने वहाँ पर अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल रोक कर मैंने कही उस कार्यक्रम में जाना आज बिल्कुल रद्द कर देंगे, और वो कार्यक्रम में जाना रद्द कर किया। उस लावारिस का मैंने अपनी पत्नी का मतलब वो रास है उरा, उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। उस बाबा को जैसे तैसे वहाँ के लोगों से मेडिकल है, मेडिकल की दुकान है, उनसे चंदा किया, कुछ मेरी जिम्मे पड़े हुए थे। उस बाबा का पहला संस्कार कराया 2010 में। वहाँ से मेरे मन में ये पीड़ा आई, वृंदावन में लोग अपनी आत्मा शांति के लिए आते हैं कि यहाँ मर जाए, हमारा जीवन उद्धार हो जाए। यहाँ पर बड़े बड़े हमारे महापुरुष वृंदावन में जिन्होंने पूरा जीवन त्याग दिया, उनको वृंदावन मृत्यु नहीं मिली। मेरे गुरु जी भी वृंदावन में थे, अभी कृपालु जी महाराज भी दिल्ली पधारे, काफ़ी लोगों की आत्मा वृंदावन में नहीं मिली जिन्होंने पूरा कुछ सब कुछ बनाया। हो सकता है हमको भी वृंदावन धाम नहीं मिले, तो मैंने सोचा ये भिखारी नहीं है, ये बड़े बड़े महापुरुष हैं, इनका संस्कार विधि विधान से यहाँ पर करना चाहिए। हम ही जब भी ब्रजवासी कहने लायक रहेंगे, हमको ब्रज में रहने का अधिकार नहीं है। इनको पुलिस ले जाके जमुना में डाल देगी, कुत्ते सुअर खाएंगे। वो ये सोच के आए कि वृंदावन रहेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, और मालूम पड़ी कि यहाँ पर ये लोग कुत्ते सुअर खाएंगे, उनकी दुर्दशा होगी। तो हमने की सबसे बड़ा काम यही करेंगे वृंदावन में कि इनका विधि विधान पूर्वक सभी के आशीर्वाद से, ब्रजवासियों के आशीर्वाद से, जो 2010 से निरंतर चल रहा है हमारी टीम है,
हमारे ब्रजेश जी हैं, 10-15 लड़के हैं, हम आपस में चंदा इकट्ठा करके उस विधि विधान लकड़ी रार बूरा जैसा भी हम लोग अपने माता पिता का करते हैं उस तरीके से लगातार करते चले आ रहे हैं। ये महाराज जी का आशीर्वाद है और हम लोग चाहते हैं हमको आशीर्वाद आप लोगों का मिले, इसी विधि विधान पूर्वक लावारसों का संस्कार होता रहे। वो ब्रज में मरने के लिए आते हैं कुछ लोग तो वृंदावन ब्रजा हमारा उद्धार हो जाए, तो हम चाहते हैं ऐसे ही उद्धार होता रहे, आप लोगों का आशीर्वाद रहे। जितने भी हम आए हैं महापुरुष महाराज जी के कार्यक्रम में, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम में आए, और हम लोगों को ऐसी शक्ति दीजिए ऐसे काम हमारा चलता रहे। सबके लिए बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान दास जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो कहेंगे आइंदा आपको ऐसा ना करना पड़े, लेकिन कुछ चीज़ों पे हमारा जोर नहीं, इसलिए क्या कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मंत्री महोदय जी का, महाराष्ट्र जी का, आप सभी का। अब हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे, आप सबका धन्यवाद, फिर आपको आमंत्रित करेंगे मंच पर। अभी के लिए हम बढ़ेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर, धन्यवाद। और आप जानते हैं हमारे यहाँ सांझ में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसमें प्रस्तुतियाँ रहती हैं, तो इसी कड़ी में अब सबसे पहले आपके बीच आ रही हैं डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी, जो अपना संतूर वादन प्रस्तुत करेंगी। तो आमंत्रित करने जा रहे हैं डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी को, जिनके साथ तबले पर संगत करेंगे आपके गुरु, देश के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित ललित महंत जी। जोरदार तालियों के साथ वर्षा जी का अभिवादन करें। उनके विषय में आपको बताएं, संतूर वाद्य यंत्र के विषय में आप सब जानते हैं, कश्मीर का बिरला और असाधारण संगीत वाद्य है ये। डॉक्टर वर्षा अग्रवाल कश्मीर के सुफियाना घराने की भारत की प्रथम महिला संतूर वादिका हैं, जिन्होंने भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपनी बहुत सी प्रस्तुतियां दी हैं और देती आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा संगीत, उसे वो अन्य देशों तक भी पहुंचा रही हैं। देशों की बात की जाए तो मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूरोप, फिलिस्तीन, जॉर्डन, ओमान, दोहा, कुवैत, मस्कत, दुबई, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर वो अपनी प्रस्तुतियाँ दे चुकी हैं। आपका जो संबंध है वो झालावाड़ के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर कल्याणमल अग्रवाल के परिवार से है, आप उनकी सुपौत्री हैं। और संगीत की प्रारंभिक शिक्षा आपने स्वर्गीय श्री इलाही बख्शी एवं गिरधारी लाल जी डांगी से ली, जो अजमेर वाले हैं। और इसके अलावा पंडित ललित महन जी आपके गुरु तो साथ विराजे ही हैं, और साथ ही साथ विगत अनेक वर्षों से डॉक्टर वर्षा जी विश्वविख्यात संतूर वादक, सेंट ऑफ संतूर, किंग ऑफ स्ट्रिंग्स, पद्मश्री पंडित भजन सुपोरी जी की गंडा बंद शिष्या भी हैं। तो अब वो आपके सामने अपना संतूर वादन प्रस्तुत करेंगे, धन्यवाद। आज बहुत ही सुंदर और पावन दिन है। सर्वप्रथम ठाकुर श्री प्रीकांत जुची महाराज के चरणों में मैं अपना साष्टांग प्रणाम करते हुए ठाकुर जी के परम कृपा पात्र स्वामी श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज एवं आप सभी उपस्थित भक्त वृंद को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं आज आपके सम्मुख दुनिया के सबसे अधिक तारों वाले वाद्य, दुर्लभ वाद्य संतूर पर राग रागेश्री में भक्त वत्सल भगवान श्री प्रीकांत जूजी का आह्वान करती हूँ। कुछ देर में उनका आह्वान करने के लिए संतूर में ध्यान स्वरूप आलाप जोड़ और झाला के माध्यम से करूँगी, जो मैं सिर्फ संतूर में ही बजाऊँगी, उसके साथ तबला नहीं बजेगा। उसके बाद ठाकुर जी को धीमी धीमी गति में विलंबित गत बजा कर रिझाऊँगी, जिसमें लय बाँट, लपक झपक और नोकझोंक होगी। चूँकि वृंदावन में आई हूँ, तो वृंदावन में आने पर दो ही चीज़ें सबसे पहले दिखते हैं, जिनका जैसे आप वृंदावन में प्रवेश करें तो ध्यान आता है, राधा कृष्ण जी और गैया। मैं थोड़ा सा कहना चाहती हूँ, बहुत अंबली मेरी रिक्वेस्ट है, और आदरणीय महाराज श्री ठाकुर जी से मेरा यह बहुत करबद्ध निवेदन है कि जो वृंदावन का जैसे ही हमें ध्यान आता है तो गैया सबसे पहले ध्यान आती है। तो हम लोग जब स्विट्ज़रलैंड गए थे और वहाँ पर हमने यह गायों के प्रति जो स्नेह देखा, वहाँ पर उन्होंने हमें ये कहा कि ये हमारे मतलब अनडिक्लेयर्ड राष्ट्रीय पशु है गैया, जबकि हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है। वहाँ की राष्ट्रीय पशु गाय को माना गया है, और गाय के लिए इतने बेहतरीन इंतज़ाम थे कि देखकर हमारा मन खुश हो गया। तो मैं भी चाहती हूँ
मेरे दिल में भी ऐसी इच्छा है और ऐसा मुझे विश्वास है कि ठाकुर जी वैसा ही यहाँ पर गैयाओं के लिए भी इंतजाम करेंगे जैसा स्विट्जरलैंड में होता है। वृंदावन में आई हूँ और होली का त्यौहार लग ही चुका है और फिर ऐसा लगता है कि यदि मैंने धमार नहीं बजाई तो फिर कुछ नहीं बजाया, तो मैं धमार तो यहाँ बजा के ही जाऊँगी। धमार कंपोजिशन के बाद जैसे मुझे अनुभूति होगी कि ठाकुर श्री प्रीकांजू जी महाराज मेरे नैनों के समक्ष हैं, ठाकुर भक्ति से सराबोर होकर गाऊंगी, उस समय मेरे साथ मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप सभी को बताऊंगी। क्योंकि यहाँ जब हमने ऐसे दिव्य दर्शन मंदिर में किए, बहुत कठिन है किसी भी छोटे से प्रोजेक्ट को पूरा करना, लेकिन यहाँ चूंकि मैं उज्जैन से आई हूँ, मैंने उज्जैन के 4 कुंभ देखे हैं, मुझे वाकई ऐसा लगा कि यहाँ पर कुंभ लग चुका है। उज्जैन में कुंभ लगेगा लेकिन यहाँ लग चुका है और इतने अच्छे सारे अरेंजमेंट्स हैं, सब कुछ है। तो बल्कि मैं तो कुंभ वालों से भी कहूँगी भाई कि वहाँ आप वहाँ से सीखे कि कितना अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ। 2 लाख लोगों का डिसिप्लिन और 2 लाख लोगों का इतना बेहतरीन इंतज़ाम मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा है और मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम महाराज श्री को करती हूँ, क्योंकि आपके ही ऐसे भागीरथ प्रयत्न से यहाँ पर इतना सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ है कि मैं तो देखकर भाई भाव विभोर हो गई और ऐसा दिव्य आनंद की मुझे प्राप्ति हुई है। जब हमने दर्शन किए तो मैंने अपने गुरु जो मेरे साथ तबले पर हैं पंडित ललित महन साहब, उनसे अनुरोध किया कि आप कुछ एक जो बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं कोई एक ऐसी कविता एक ऐसी बंदिश मुझे बना के दें जो भगवान प्रीकांत जूजी पर हों। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक बंदिश मुझे बनाकर सिखाई है, वो भी मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट करूंगी और आप सभी मेरे साथ जब वो बंदिश शुरू होगी मैं गाकर आपको बताऊंगी, तो आप भी सब लोग गाएंगे तो भक्तिमय हम हो जाएंगे। संतूर वादन हमारा जो संतूर तबला एक तरह से कहेंगे तो जुगलबंदी है, इस कार्यक्रम का समापन करूँगी मैं एक द्रुत गति से और कंक्लूड करूँगी उसे सवाल और जवाब से, जिसमें संतूर प्रश्न करेगा और तबला उसका जवाब देगा। निश्चय ही आप सब लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए आपसे आज्ञा और आशीर्वाद चाहती हूँ और प्रस्तुत है राग रागीश्री। मेरे साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आशीर्वाद स्वरूप मेरे गुरु पंडित ललित महन साहब, मैं बहुत बहुत हृदय से उनके आभारी हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है और भगवान प्रीकांत जूजू से भी निवेदन करती हूँ कि वो भी उन्हें ऐसा आरोग्यता का आशीर्वाद प्रदान करें कि वो सदैव सदैव मेरे साथ मुझे आशीर्वाद देते रहें और तबला संगत करते रहें। पुनः आप सभी को प्रणाम और प्रस्तुत है राग रागेश्री में सिर्फ 2-3 मिनट आलाप जोड़ झाला, बहुत लंबा नहीं बजाऊंगी, 2-3 मिनट आलाप जोड़ झाला इसलिए बजाऊंगी क्योंकि हम राग का आह्वान करते हैं, उसके पश्चात तबला और संतूर की जुगलबंदी शुरू होगी। धन्यवाद। Thank you.
Thank you.
प्रस्तुत है धमार्मी दत्त। Thank you.
अब मैं आपके सामने भगवान श्री प्रीकांत जी महाराज की गत, उनकी एक बंदिश जो बनाई है वो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पहले मैं आपको गा के बताती हूँ, फिर आप भी सभी मेरे साथ गाएंगे तो बहुत ही भक्तिमय वातावरण हो जाएगा और आपको संतूर में फिर हर चीज़ वही लगेगी कि भगवान प्रीकांत जू जी आप पधारे। बंदिश के बोल हैं, प्रीकांत जू आप पधारे, प्रीकांत जू आप पधारे, धन भाग हमारे। प्रीकांत जू आप पधारे, धन धन भाग हमारे। उसका अंतरा है, नंद नंदन हो देवकी नंदन, नंद नंदन हो देवकी नंदन, ब्रिज में आज बसंत छायो, ब्रिज में आज बसंत छायो, प्रियकांत जू आप पधारे। तो प्रस्तुत है आपके सामने बंदिश। पहले मैं एक बार पूरी बंदिश आपको गा के बताती हूँ, उसके बाद आप हमारे साथ गाएंगे, आपको लगेगा कि साक्षात भगवान अवतरित हो गए। प्रिय कांत एक्चुअल जो मेरा संतूर का सुर है वो डी शार्प है, काली दो, जो कि जेंट्स स्वर होता है और हमको महिलाओं को गाने के लिए काली चार सुर लगता है, लेकिन मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि काली दो से भी गाऊं। मेरे साथ गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
प्रियकांत जी महाराज पधारे, धन धन भाग हमारी, क्या कहे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित ललित महन जी इस रचना के लिए, जोरदार तालियां, राधे राधे। कहा जाता है कि संगीत की स्वर माधुरी जब बह निकलती है तो सबको अपने साथ बहा ली जाती है। हम भी जब संगीत सुनना शुरू करते हैं तो मन करता है कि ये सिलसिला, ये क्रम यूं ही चलता रहे, लेकिन आज तो विशेषकर आप जानते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ प्रियकांत जू शांति एकता पुरस्कार वितरण भी यहाँ पर किया जा रहा है। और अब हम बढ़ेंगे अगली कैटेगरी की ओर, तो हम खेल की अब बात करेंगे और उस क्षेत्र में तीन विजेता हैं। सबसे पहले आपको उन तीनों की क्लिपिंग दिखाते हैं, उनका प्रोफाइल, और फिर उनको आमंत्रित करेंगे। लड़कियों को बेलन थमाकर घर का काम करने की सलाह दी जाती है। उसी देश में मानिका बेलन की जगह टेबल टेनिस का रैकेट और घर के काम की जगह टेबल टेनिस खेलती हैं। जी हाँ, 19 साल की देश की इस छोटी सी बिटिया ने बड़ा काम करने की ठान ली है। ऐसे खेल में देश का नाम रोशन करने का फैसला कर लिया है, जिसमें दूर दूर तक हमारे देश का कहीं नाम नहीं है। मानिका बत्रा टेबल टेनिस में देश ही नहीं दुनिया की सबसे उभरती खिलाड़ियों में से एक है। देश की नंबर वन टेबल टेनिस खिलाड़ी ने मात्र 17 साल की उम्र में साल 2014 में ग्लासगो के कॉमनवेल्थ गेम्स में सेमीफाइनल तक अपनी जगह बनाई और देश का नाम विश्व में रोशन किया। हाल ही में सूरत में हुए कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर जीतकर हमारी उम्मीदें और भी बढ़ा दी हैं। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट भी देश की बिटिया मानिका को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता है। पुरस्कारों के विषय में आपको हम बताएं कि ये जो पुरस्कार वितरण हो रहा है, और हमने आपको बताया कि इसमें 5 कैटेगरीज हैं, संगीत की श्रेणी है, सामाजिक क्षेत्र है, खेल है, लार्जर देन लाइफ है, और साथ ही मीडिया है। तो हर पुरस्कार वितरण से पहले एक पूरी प्रक्रिया हुआ करती है, तभी निर्णय होता है किसको पुरस्कृत किया जाना है, कौन विजेता होंगे। तो हमारे यहाँ प्रियकांत जू शांति एकता पुरस्कार की अगर बात की जाए तो इसके लिए भी पूरी प्रक्रिया रही, जिसमें ज्यूरी मेंबर्स थे हमारे साथ 5, और अभी हमारे बीच बैठे हुए हैं पूर्व क्रिकेटर मदन लाल जी। इसके अलावा कथक नृत्यांगना उमा शर्मा जी थीं, और तवलीन सिंह जी, जानी मानी जो पत्रकार हैं वो थीं, समाज सेविका रंजना कुमारी जी थीं, साथ ही प्रोफेसर पुष्पेश पंची। ये 5 लोग थे जिन्होंने हर श्रेणी में, हर कैटेगरी में 4 नॉमिनेशंस थे, जिनके विषय में जाना, उनका प्रोफाइल समझा, और फिर 5 ने बैठ कर निर्णय किया कि किनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इस तरह से प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो लोग चुने गए विजेता के रूप में, आज वो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिसमें अब हम बात कर रहे हैं खेलों की श्रेणी की, जिसमें पहली नज़ीर आपने देखी अभी मानिका बत्रा की। हम इसमें अब आगे बढ़ेंगे। गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरें जो घुटनों के बल चलें। दिनेश कुमार ऐसा ही बॉक्सर है जो बार बार चोट खाकर गिरते हैं, संभलते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं एक नई जंग के लिए, जिंदगी के साथ भी और रिंग के अंदर भी। अर्जुन नवाड़ी दिनेश की जिंदगी हादसों से भरी हुई है। 2010 के चीन में हुए एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले दिनेश के सपनों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स के ठीक पहले एक सड़क दुर्घटना में वो इस कदर घायल हो गए कि उन्हें गेम्स से बाहर होना पड़ा। हालांकि दिनेश के साथ हादसा पहली बार नहीं हुआ था, साल 2011 में भी उन पर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन हरियाणा की भिवानी के रहने वाले दिनेश ने कभी हार नहीं मानी। लगातार अपने जख्मों को भूलकर खड़े होने की कोशिश में वो दिन रात लगे हैं और अगले लंदन ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीतने के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। राजकुमार तिवारी, दिमाग से कोई कमजोर नहीं होता, हौसलों से होता है, लेकिन अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। राजकुमार तिवारी, जी हाँ, एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने दिमागी कमजोरी को मात देकर स्पेशल ओलंपिक्स आइस स्केटिंग में भारत के लिए इकलौता गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा कर दिखाया। दिल्ली के पहाड़गंज के एक कमरे में 7 लोगों के परिवार में रह रहे राजकुमार को
उनकी गरीबी भी नहीं झुका सकी। राजकुमार और उनके पिता सड़क पर सामान बेचते हैं, फिर भी राजकुमार ने अपने सपने को पूरा कर दिखाया। राजकुमार आज एक बार फिर देश के लिए खेलने के लिए अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पैसे की कमी उनके हौसलों को एक बार फिर चुनौती दे रही है, लेकिन विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट राजकुमार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन देती है, ताकि वो आगे भी देश का नाम यूं ही रोशन कर सके। तो खेल के क्षेत्र में तीन विजेताओं का ये प्रोफाइल हमने देखा। अब मैं पुनः अनुरोध करूंगी आदरणीय महाराष्ट्र जी से कृपया मंच पर आएं, और साथ ही हमारा सौभाग्य है कि आज ज्यूरी के मेंबर और पूर्व क्रिकेटर मदनलाल जी हमारे बीच हैं। सर, आपसे भी अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और पुरस्कार विजेताओं का मनोबल बढ़ाएं। साथ ही ट्रस्ट के ट्रस्टी अग्रवाल जी हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कृपया मंच पर आएं। सोनी जी, आपसे भी अनुरोध है, कृपया विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका सम्मान बढ़ाएं। जैन साहब, आपसे भी अनुरोध करेंगे, कृपया आप भी मंच पर आएं। और साथ ही राजेश जी से भी अनुरोध है, आप सब आएं और विजेताओं को प्रोत्साहित करें। और सबसे पहले आमंत्रित करने जा रहे हैं मानिका बत्रा जी को, कृपया मंच पर आएं और पुरस्कार ग्रहण करें। मानिका जी, जोरदार तालियों के साथ अभिवादन कीजिए मानिका जी का। वो देश के लिए प्रयास कर रही हैं, हम सब का नाम रोशन करने के लिए, गौरवान्वित करने के लिए कोशिश कर रही हैं। जी, ट्रस्टी अग्रवाल जी मानिका जी को शॉल द्वारा अभिवादन करते हुए, और साथ ही उन्हें मदनलाल जी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए। अब महाराष्ट्र जी से अनुरोध है, कृपया 51,000 रुपये की राशि उन्हें दें और साथ ही आशीर्वाद भी, भारत का नाम रोशन करें। मानिका जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग, फ्यू वर्ड्स? हेलो, यू कैन टेक माय माइक इफ यू वांट, या प्लीज। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया गया और इतना बड़ा अवार्ड दिया गया, और मैं सबसे ज़्यादा अपनी मम्मा से खुश हूँ क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा रहती है, तो मैं इफ़ पॉसिबल कि मैं उनको स्टेज पे बुला सकूँ। थैंक यू। सुषमा जी, आपसे अनुरोध है, कृपया आप मंच पर आएं। ये आप ही के प्रयासों का फल है कि मानिका जी आज यहाँ आकर पुरस्कृत हो रही हैं। जोरदार तालियां सुषमा जी के लिए। ऐसी माएँ हमारे यहाँ और हों जो अपने बच्चों को खेल के क्षेत्र में भेजें, इस तरह से आगे बढ़ाएं कि वो देश का नाम रोशन कर सकें। सुषमा जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, आइएगा। महाराष्ट्री मानिका जी की माता जी सुषमा जी का अभिवादन करते हुए शॉल द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, एंड गुड लक मानिका, थैंक यू। और अब आमंत्रित करने जा रहे हैं दिनेश सांगवान जी को, कृपया मंच पर आएं और पुरस्कार ग्रहण करें। दिनेश सांगवान जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आपने उनके प्रोफाइल में देखा कि किस तरह से चुनौतियां उनके सामने आईं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसपे वाकई हमारा किसी का जोर नहीं चलता, और एकदम गेम से पहले दुर्घटनाग्रस्त जिस तरह से उनकी स्थिति हुई, और उसके बाद फिर वो खड़े होकर देश के लिए फिर खेलना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। करतल ध्वनि के साथ अभिवादन दिनेश सांगवान जी का। शॉल द्वारा उनका अभिवादन, कृपया स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए। और साथ ही महाराष्ट्र जी से अनुरोध, 51,000 रुपये की राशि दिनेश जी को पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाए।
सोनी जी प्रदान करते हुए। दिनेश जी, इस अवसर पर आप कुछ कहना चाहेंगे, दो शब्द? नमस्कार सभी को, और नमस्कार महाराज जी को देना चाहूँगा, क्योंकि खिलाड़ी है और हर स्थिति में कहीं से ना कहीं दुख और बहुत बड़े बड़े दुखों को झेलकर यहाँ तक पहुँचता है। और स्वामी जी ने जो क्लिप दिखाई, मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने हमारे जो दर्द हैं उन सब को देखा और उन्हें महसूस किया, तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा स्वामी जी, थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं दिनेश जी, आप इसी तरह से आगे देश का नाम बढ़ाते रहें। और अब आमंत्रित करेंगे राजकुमार तिवारी जी को, कृपया मंच पर आएं और मान्यगणों से पुरस्कार ग्रहण करें। राजकुमार तिवारी जी, जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। आपकी तालियों के सहारे ही वो विदेशों में जाते हैं, वहाँ की भूमि पर, वहाँ के मैदानों पर लोहा लेते हैं वहाँ के खिलाड़ियों से, ताकि हमारा नाम रोशन हो सके। राजकुमार जी का शॉल द्वारा अभिवादन, साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए। और 51,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप। महाराष्ट्री तथा मदनलाल जी, राजकुमार जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे, अगर मन के कुछ उद्गार हो कुछ साझा करना चाहें। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भैया को थैंक्स बोलना चाहूंगा, जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां इनके बड़े भैया के लिए। जो मेरा सपना है मिशन 2018 ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, जो इंडिया में आए से नहीं है, और मेरे फादर आज भी रोड के आउटसाइड खड़े होकर सामान सेल्स करते हैं, और मैं उस पापा के साथ काम करने के बाद मैं स्केटिंग करने जाता हूँ। कई बार होता है कि टूर्नामेंट है, आइस स्केटिंग बहुत महंगा गेम है, 560 रुपये एक घंटे का लगता है MBS मॉल में, 6th फ्लोर पे। और मेरे को 2013 के मैं सेलेक्ट हुआ कोरिया स्पेशल ओलंपिक्स की ओर से, मैं विनर हुआ। मेंटली चैलेंज हूँ अपने आप में बहुत, भैया के और पापा ने और मम्मी ने बहुत केयर करा है, जिसके वजह से आज मैं नॉर्मल से फाइट करता हूँ। और मुझे सब कहते हैं कि आप गरीब हो, आपके लिए गेम नहीं है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, टैलेंट किसी गरीब अमीर के लिए नहीं होता, टैलेंट एक किसी के अंदर भी हो सकता है, वो मैं हूँ या आप लोग हो। और ख़ासकर जब हम धूप के अंदर खड़े होके सामान बेच सकते हैं, तो हम उतना ही मेहनत, उतना ही पसीना हम एक बर्फ़ के ऊपर पिघलाते हैं, जिससे आज इतना बड़ा अवसर मिला। और थैंक यू गुरु महाराज जी आपको, जो हम जैसे टैलेंट को आप लोग सपोर्ट करते हो, इससे हमें हिम्मत ही नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए बहुत ही बड़ा अवसर मिलता है। और ये छोटे छोटे अवार्ड्स, आज इस अवार्ड तक पहुँचा हूँ। मेरा जो मेन सपना है कि अपने भारत का जो विंटर ओलंपिक्स है उसमें इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ और अपने देश को दोबारा करवाऊँ। क्या बात है, राजकुमार जी ने कहा छोटे छोटे अवार्ड से मैं इस अवार्ड तक पहुंचा हूं। तिवारी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आज के बाद कभी ये मत कहना कि आप गरीब हैं। गरीब वो लोग होते हैं जिनके पास दिल नहीं होता है, जिनके पास हुनर नहीं होता है। लेकिन मैं आप कभी चिंता मत करना, जब भी आपको सपोर्ट की जरूरत हो, विश्व शांति सेवा चैरिटेबल मिशन आपके साथ खड़ा हुआ है, जब आपको जरूरत होगी हम आपकी मदद करेंगे। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार तिवारी जी, इसी तरह से आगे बढ़ती रहिए, हमारी शुभकामनाएं। वैसे तो जितने भी हमने श्रेणियों की बात की है, उसमें जितने भी विजेता आए हैं उनके जीवन पे नजर डालें तो लगता है कि लार्जर देन लाइफ ही है, लेकिन फिर भी हमने एक अलग से कैटेगरी बनाई है लार्जर देन लाइफ। अब आपको उसके प्रोफाइल दिखाते हैं विजेताओं के। बहुत बहुत धन्यवाद मदन लाल जी, आपने समय निकाला, आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत आभार आपका। और हम लाजुद लाइफ जब आपसे कह रहे हैं, बार बार बात हो रही है संघर्षों की, अभावों की, कुछ चीज़ें नियति के माध्यम से देखा जाए तो ऐसी हैं जिस पे हमारा बस चल ही नहीं सकता। आप परिस्थितियों से जूझ सकते हैं, लेकिन अभाव की जब बात आती है तो विकलांगता एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अभिशाप है जिससे कोई लड़ नहीं सकता। लेकिन ये जो लाजुद लाइफ आप देखेंगे प्रोफाइल, खुद बयां करेंगे कि इनके आगे जिंदगी की सारी समस्याएं जो हैं वो बौनी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। पैरों के पंख नहीं होते फिर भी परिंदा उड़ान भरता है। विनोद ठाकुर भी एक ऐसे ही जाबाज बास का नाम है जो बिना पैरों के ही उड़ान भरने का मादा रखते हैं। We're about to go crazy with this, y'all. Y'all, on the beat, man, it's cold. Take us to the motherfucking, we're about to
विनोद को देश ने तब जाना जब वो इंडियाज गॉट टैलेंट में पहली बार देश के सामने रूबरू हुए और उनके लेगलेस ब्रेक डांस का दीवाना पूरा देश बन गया। इसके बाद विनोद को लोगों ने नच बलिए शो में भी देखा जब वो अपनी पत्नी रक्षा ठाकुर के साथ नजर आए और एक बार फिर विनोद ने पूरे देश का दिल जीत लिया। विनोद हमेशा से यही मानते हैं कि लोग उन्हें सहानुभूति की नजर से ना देखें और उनके टैलेंट का कद्र करें। विनोद आज खुद अपने ही नाम से एक डांस एकेडमी भी चला रहे हैं जिसमें वो अपनी ही तरह से फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को डांस सिखाते हैं। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट उनके इस जज्बे को सलाम करता है। सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं जगविंदर सिंह जी को, कृपया मंच पर आएं और पुरस्कार ग्रहण करें। जगविंदर जी, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। जगविंदर जी, तुसी मैं की कहवा तुहानू, तुसी किन्ने युवाओं वास्ते आदर्श है वो तुहानू आप नहीं पता। खैर मकदम है तुहाडा जी। महाराष्ट्र जी, शॉल द्वारा जगविंदर जी का अभिवादन करते हुए साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए और 51,000 रुपए की राशि सोनी जी। जगविंदर जी, तुसी कुछ नहीं भी कहना चाहोगे तां भी असी सुनांगे। सबसे पहले तो मैं जो ये ट्रस्ट है और मीडिया वाले यहाँ पे पहुँचे हैं और इनका मैं दिल से थैंक्स करता हूँ, जो लोग टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पे जो अवार्ड फंक्शन देखने के लिए, और जितने भी यहाँ पे अवार्ड्स जिनको मिल रहे हैं उनके लिए मैं दो लाइंस बोलना चाहूँगा कि सूरज चाहे कितना भी तेज़ हो वो कभी समुंदर को नहीं सुखा सकता। तो मतलब यही बात होती है आप में कि आप ज़िंदगी में हमेशा सक्सेसफुल रहते हो और मत गुमान कर अपने हाथों की लकीरों पर, मुकद्दर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो मतलब हम कई बार ये इन बातों के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं कि शायद मैं ज़िंदगी में इसलिए असफल हूँ, जहाँ मतलब कभी कोई एम होता है वो आप उसको अचीव नहीं कर पाते तो हम सोचते हैं कि शायद मेरी किस्मत में नहीं था। तो मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छे से आप उस सपने के लिए, उस जो इवेंट है, जो आपका टारगेट है, उसको इतने अच्छे से उसको आप हैंडल करो, अच्छे से उसको देखो कि हाँ मैं कैसे इसको आगे लेके जा सकता हूँ। और उसके बाद आपका एक इंडियन होने के नाते आपका फ़र्ज बनता है कि जब आप सक्सेसफुल इंसान बन जाते हो तो आप अपने जैसे औरों को भी उठाओ। मेरा सपना है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनने का और वर्ल्ड चैम्पियन बनने का, और मैंने ये भी सोचा हुआ है कि अगर ज़िंदगी में एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बन जाता हूँ तो मेरा एक इंडियन नागरिक होने के नाते मेरा फ़र्ज है कि मेरे जैसे जितने भी जगविंदर और भी घर पे बैठे होंगे तो मैं आगे जाके उनको भी ज़रूर उठाऊँगा, ये मेरा आपसे प्रोमिस है। और मतलब मेनली जैसे कि शुरू में सबसे बड़ी बात होती है कि कई बार जो भी हैंडीकैप्स होते हैं, वैसे मैं बोलूँगा नहीं ऐसा कुछ कि स्पेशल पर्सन होते हैं, जो पहली बात तो उनको किसी स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता, मतलब तो उनको बोलते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसके बाद मम्मा ने मुझे पैरों से लिखना सिखाया, उन्होंने थोड़ी ट्रेनिंग दी, तो उसके बाद मैंने ड्राइंग टीचर का डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद वही सेम प्रॉब्लम थी कि मुझे कोई भी स्कूल ड्राइंग टीचर रखने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर आगे जाते जाते मतलब मुझे एक स्कूल ने बोला कि चलो हम आपको चांस देते हैं, तो वहाँ पे मैं टीच करवा रहा था अपने साइकिलिंग का जो खर्चा निकाल रहा था। तो अभी जो साइकिलिंग है अच्छे से चल रही है, आप सबकी बेस्ट विशेस मेरे साथ हैं, तो आई होप आगे जो कुछ होगा अच्छा होगा। रियली थैंक्स इस अवार्ड के लिए,
क्योंकि ऐसे अवार्ड फंक्शंस आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित करते हैं आगे और भी कुछ बड़ा करने के लिए. रियली वेरी वेरी थैंक्स, रियली वेरी वेरी थैंक्स. मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा. आपने टीवी चैनलों पर बड़े बड़े स्टार्स, जिनको आप स्टार्स कहते हैं, मेरी नज़र में वो स्टार नहीं है. मेरी नज़र में वो सिर्फ पैसे की चमक है. अगर मुझसे कोई पूछे कि आपकी नज़र में स्टार, इंडियन स्टार्स कौन है, तो मेरी नज़र में ऐसे सूरमा इंडियन स्टार्स. बड़ी बड़ी लोग आपने महफिल में बैठे हुए देखे होंगे, वो सिर्फ पैसे की चमक हो सकती है, लेकिन ये दिल की चमक है, ये मेहनत की चमक है, ये सच्चे प्रयास की चमक है. और ऐसे लोगों के साथ खड़े रहना, इसका मतलब है हम लोग देश के साथ खड़े हुए हैं, इसका मतलब है हम लोग देश के साथ खड़े हुए हैं. और हम इनको अवार्ड दे के, कम से कम मैं तो ये नहीं सोच रहा हूँ कि हम इनका सम्मान कर रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को सम्मानित करके हम अपने आप को सम्मानित कर रहे हैं. थैंक यू. सॉरी, मैं जस्ट एक मिनट और आपका लेना चाहता हूँ. आज मैं आपके सामने हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से. ये मेरे पापा हैं, सरदार सुखदेव सिंह जी, और प्लीज़ एक बार इनके लिए क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि अगर शायद ये मेरी ज़िंदगी के बारे में ना सोचते तो शायद मैं आज आपके सामने ना होता. और रियली वेरी थैंक्स. बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर जी. ये हमारे देश के संस्कार हैं कि हम आज भी अपने माता पिता को नमन करते हैं, मानते हैं कि हमारा जीवन उन्हीं की देन है. बहुत बहुत धन्यवाद. अब आमंत्रित करने जा रहे हैं विनोद जी को. विनोद ठाकुर जी, कृपया मंच पर आएं और पुरस्कार ग्रहण करें. जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए. हमारे यहाँ समाज की विडंबना ये है कि जब कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है तो वो अकेला होता है, जब वो जीत जाता है तो वो हम सबका हो जाता है. तो ये वो समय है जब आप उनको परिचय दे सकते हैं कि वाकई आप उनके हैं, उनके साथ हैं. तालियों के माध्यम से स्वागत है विनोद जी. महाराष्ट्र विनोद जी का शॉल द्वारा अभिनंदन करते हुए, साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए और 51,000 रुपए की राशि विनोद जी को पुरस्कार स्वरूप प्रदान करते हुए. कुछ कहना चाहेंगे आप? राधे राधे. क्या बात है, बहुत मजा आता है जब अभी किसी को नींद आ रही है तो कोई सोया हुआ है. पीछे भी जितने सोए हुए हैं, एक बार मेरे साथ, एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे राधे राधे. ये हुई ना बात. मैं बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे इतने टैलेंटेड लोग आए यहाँ पे और उनको सम्मानित किया गया. तो हर एक आज यहाँ पे मैं आया हूँ, जो मैं नॉमिनेटेड मेरा नाम हुआ है, सबसे पहले मैं वो ईश्वर को दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने इतने बड़े महान हस्ती जो गुरुजी हैं उनको यहाँ धरती पे जन्म दिया, जो आप लोगों के अंदर एक ईश्वर के प्रति एक ऐसी भावना भर रहे हैं जिसमें इंसान अपने सारे दुख दर्द भूल के उनकी भक्ति में लीन हो जाता है. मैंने भी शिक्षा प्राप्त की है गुरुकुल से, तो मैं गुरु जी का बहुत सम्मान करता हूँ. और एक आने वाली अपने जैसे लोगों के ऊपर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा. अभी तक मैंने बहुत से ऐसे अवार्ड शो ज्वाइन किए हैं और ऐसे हम जैसे बच्चों के ऊपर ज़्यादा, तो वहाँ पे मैंने अभी तक जितना भी देखा है, हम जैसे लोगों में टैलेंट तो रियल में ढूंढते हैं कि हाँ टैलेंटेड है इसको अवार्ड दो. बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बहुत सारी NGOs हैं, बहुत बड़ी बड़ी NGOs हैं, उसके बाद क्या वो NGO उन बच्चों को देखता है? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अवार्ड बहुत अच्छी चीज़ होती है. हम पहले किसी को उठाते हैं, फिर
उसके बाद वो बच्चे कहाँ जाते हैं? मेरे को आज लोगों ने टीवी में देखा था, मेरा टैलेंट देखा, चैनल ने बहुत ज़्यादा TRP कमाई, बहुत, लेकिन मैंने क्या कमाया? मैंने इज्जत कमाई, नाम कमाया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान ने किसी को कोई ये डिसेबल्ड, हैंडीकैप, विकलांग, ये इंसान ने वर्ड रख दिए हैं। मेरे हिसाब में ये वर्ड आज लोगों थोड़ा थोड़ा लोगों के दिमाग में घुस रही है, स्पेशल एबल्ड। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी को दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने हम जैसे लोगों को एक इतना प्यारा वर्ड दिया है, दिव्यांग। दिव्यांग एक ऐसा वर्ड है जो मेरे अंदर भी रियली एक जोश भरता है। और मेरी एक आने वाली एक मूवी है, मैंने सलमान सर का, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आज आप लोग मुझे यहाँ पे देख पा रहे हैं, इतना अच्छा टैलेंट को मेरे को उन्हें आगे बढ़ाया उन्होंने मुझे। तो एक मेरी एक छोटी सी मूवी आ रही है जिसका नाम है पंख बिना उड़ान। उसमें मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा बच्चा जिसको लोग हैंडीकैप कहते हैं, शुरू में माँ बाप की जब उस बच्चे का जन्म होता है माँ की, तो आस पड़ोस के लोग ही कहते हैं कि बेटा क्या करेगी, भगवान ने तेरी किस्मत ऐसी दी हुई थी, अब एक बोझ समझ के इस बच्चे को पाल ले। तो और रियल है, कोई ऐसा वो नहीं है कि आज भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पे बहुत लोग एक बोझ समझ के उनको पाल रहे हैं। तो इसी पे एक मैं मूवी बनाई है मैंने, तो उसका एक छोटा सा जो सॉन्ग भी मैंने खुद लिखा है और मैं थोड़ा सा आपको सुनाना चाहूँगा। गुरु जी आप थोड़ा हौसले हैं आसमां से बुलंद, जिंदगी है अपनी यारो जैसे उड़ती पतंग। हौसले हैं आसमां से बुलंद, जिंदगी है अपनी यारो जैसे उड़ती पतंग। दिल में है जज्बा ये कुछ कर गुजरने का, सपना है अपना यारो बिन पंख उड़ने का। पंख बिना उड़ान भर ले चल भारत का नाम कर ले, पंख बिना वो पंख बिना। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच गुरुजी। और एक बार दोबारा से मैं बोलना चाहूँगा राधे राधे, क्या बात है, राधे राधे वर्ड बोलने में जो आनंद मिलता है, मैं बहुत देर से मैं वहाँ पे मैं यही सोच रहा हूँ कि कब कोई बोले यार राधे राधे। तो मैंने सबसे पहले आते ये सोचा था अरे यार सब सो रहे हैं सबको जगाओ पहले। थैंक यू सो मच। मैं कभी मूवी नहीं देखता हूँ पर तुम्हारी मूवी जरूर देखूंगा। पंख बिना उड़ान कैसी होती है जरूर देखूंगा। वैसे हमें देखने की जरूरत नहीं, आपको देख के स्पष्ट पता लग रहा है पंख हो न हो बस उड़ने का हौसला होना चाहिए निश्चित तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद ठाकुर जी और भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। मुकेश केजरीवाल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम, वो नाम जो मीडिया के कर्तव्यों को बखूबी निभाने के लिए जाना जाता है। मीडिया केवल सनसनी फैलाने के लिए नहीं है, उसके कुछ सामाजिक दायित्व भी होते हैं। यही दायित्व दैनिक जागरण के युवा और प्रतिभाशाली पत्रकार मुकेश केजरीवाल निभा रहे हैं। मुकेश स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के मुद्दों को मीडिया के मंच पर उठाते रहे हैं। दैनिक जागरण के स्पेशल करेस्पोंडेंट के पद पर रहते हुए मुकेश ने जापानी इंसेफेलाइटिस की वजह से हो रहे बच्चों की मौतों पर देश का ध्यान खींचा है। मुकेश अपने तंबाकू विरोधी खबरों के लिए भी जाने जाते हैं। मुकेश को टोबैको कंट्रोल मुद्दे पर पानोस साउथ अफ्रीका की तरफ से फेलोशिप भी मिल चुकी है। मुकेश अमेरिका के जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से रिसोर्स पर्सन भी चुने जा चुके हैं। मुकेश को उनके सामाजिक मुद्दों पर पकड़ के लिए टीवी चैनलों पर विशेषज्ञ के तौर पर देखा जा सकता है। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट मुकेश के कार्यों के लिए शुभकामनाएं देता है। कुछ लोग होते हैं तो जुनून के लिए जोखिम लेते हैं, लेकिन राहुल सिन्हा एक ऐसे पत्रकार हैं जो समाज, देश और अपने पेशे के लिए भी जोखिम लेने से नहीं डरते हैं।
राहुल, जिनकी स्टोरीज आज देश के हर लोगों के घरों की कहानियां बन चुकी हैं, उन्होंने मुरादाबाद जैसे छोटे से शहर से आकर अपना अलग मुकाम बनाया है। राहुल वर्तमान में जी न्यूज में सबसे होनहार पत्रकारों में से एक है। चाहे वो श्रीलंका में रामायण के अवशेषों को खोज निकालने की खबर हो या फिर समंदर में राम सेतु की मैपिंग की कहानी हो, राहुल की पत्रकारिता ने हमेशा नया मुकाम हासिल किया। चलिए, तो हमने आपको राम सेतु के दर्शन कराए, आखिरी पड़ाव तक आपको दिखाया, वो जगह जहां से भारत साफ दिखाई देता है। राहुल इकलौते ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने साल 2014 में नासा द्वारा खोजे गए राम सेतु के रास्ते पर चलने का दुस्साहस किया। राहुल ने ऐसे रास्ते पर भी चलकर पत्रकारिता की जिस पर आज तक कोई नहीं चला। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के वक्त राहुल ही इकलौते पत्रकार थे जिन्हें पाकिस्तान और भारत सरकारों ने वाघा बॉर्डर पर वॉक थ्रू करने की इजाजत दी। राहुल ने वाघा बॉर्डर पर भारत से पाकिस्तान की सीमा में जाकर वॉक थ्रू किया। प्रिंस की घटना भी आपको याद होगी, कैसे प्रिंस 60 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया था। राहुल ने भी प्रिंस का दर्द समझते हुए उसी 60 फीट गहरे गड्ढे में जाकर उसका दर्द महसूस किया। बुधिया वो बच्चा जो लगातार दौड़ सकता था, उसके सिस्टम में फंस जाने का दर्द भी राहुल ने ही उजागर किया। कैसे बुधिया के टैलेंट को देश से सिस्टम ने खत्म करने की कोशिश की, इसका पर्दाफाश भी राहुल ने ही किया। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की बात तो सभी ने की, लेकिन उनकी पीड़ा को भी टेलीविजन के जरिए दुनिया को राहुल ने ही बताया। हाल ही में बुंदेलखंड में अकाल पीड़ितों के घास की रोटी खाकर जिंदगी की जंग लड़ने वालों की कहानी देश को बताने वाले राहुल सिन्हा ही थे। ये घास की रोटी जो कि इस देश के नई पीढ़ी खा रही है, भविष्य खा रहा है, आज मैं भी खा रहा हूँ। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट राहुल सिन्हा को ऐसी ही पत्रकारिता के सफर पर चलने की शुभकामना देता है। और अब आमंत्रित करने जा रहे हैं मुकेश केजरीवाल जी को, कृपया आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। विश्व शांति ट्रस्ट के ट्रस्टी अग्रवाल जी शॉल भेंट करते हुए, सोनी जी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए और महाराष्ट्र जी से अनुरोध, कृपया 51,000 रुपये की राशि मुकेश जी को भेंट करें। मुकेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप? रात बहुत हो चुकी है इसलिए ज़्यादा समय लूँगा नहीं, बस दो लाइनें कहूँगा। मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है जब इतने बड़े आयोजन होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में, अब तो बहुत कम लोग रहे हैं लेकिन पता है मुझे बहुत लोग आए हैं, लगभग 1,00,000 लोग आए थे, तो बहुत हैरानी होती है कि कैसे लोग आस्था से खींचे चले आते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या वजह है वो समझने की कोशिश भी करता हूँ कई बार। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज के समय में धर्म आस्था, कई लोगों की कोशिश होती है कि वो विज्ञान से कुछ दूर जाने की, जबकि मैं चाहूँगा कि जितने लोग जो भी धर्म से आस्था से जुड़े हुए हैं वो विज्ञान आपका दुश्मन नहीं है, ये सभी लोग समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ आएं और एक पुल बने विज्ञान, वैज्ञानिक सोच, आस्था, धर्म के बीच, नर सेवा, नारायण सेवा, आप इसमें लगे हुए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद मुकेश जी, आपको शुभकामनाएं। और जहाँ तक राहुल जी की बात है, राहुल सिन्हा जी चूँकि इस समय कवरेज के लिए कश्मीर में हैं तो वो यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन ट्रस्ट उनका पुरस्कार उनको पहुँचा देगा। तो महाराष्ट्र जी का, आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने पुरस्कार भेंट कर उनका प्रोत्साहन बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों को भी पुरस्कार मिला है या हम लोगों की, हम लोग जानते भी नहीं कि पुरस्कार क्या शब्द है, हम आपको पुरस्कार दे भी नहीं सकते, लेकिन कई चीज़ें हम लोगों ने भी अपने बचपन में देखी हैं, तो बस इसलिए चाहते हैं कि जितने लोगों के जो समाज में अच्छा कार्य होता है उस कार्य को समाज के सामने लेके आओ। आज के इस खतरनाक युग में बुराई बहुत जल्दी फैल जाती है और अच्छाई सबसे पीछे आती है। अच्छाई को दिखने में 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल लग जाते हैं दिखने में, और बुराई को दिखने में 15 मिनट नहीं लगते, पूरे दुनिया में 15 मिनट नहीं लगते और बुराई छा जाती है। तो
तो ऐसे ही कुछ अच्छे लोगों को हमने ये कोशिश की है कि उनको ये सब उनका सम्मान करके हम अपने आप को सम्मानित महसूस करें। आप लोग अब तक रहे, ये सब लोग पधारे, इन सब का धन्यवाद। और हम अपने ट्रस्टियों से एक बात कहना चाहेंगे, आप लोग साथ हैं तभी ये सब हो पाता है। आप अपना प्यार, अपना साथ, दुलार ऐसे ही बना के रखें। जनता जनार्दन से भी यही निवेदन कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं तो सिर्फ मैं रह जाता है और मैं का कोई मोल नहीं होता है, मोल हमेशा हम का होता है। तो हम साथ साथ चलें, साथ साथ रहें और साथ साथ समाज की सेवा करें। और अब आमंत्रित करने जा रहे हैं उस्ताद कमाल साबरी साहब को। उनका परिचय आप लोगों तक पहुंच चुका है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताऊं आपको कि हम अगर जिक्र करें उस्ताद कमाल साबरी साहब का, तो आप उस्ताद साबरी खान साहब के बेटे तो हैं ही, साथ ही साथ आप सैनिया घराने की सातवीं पीढ़ी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने स्थापित किया है सारंगी को, और बहुत छोटी उम्र से, मात्र 5 साल की उम्र से आपने जो है सारंगी के तारों को छेड़ना आरंभ कर दिया था। स्विट्जरलैंड के आर्ट ऑफ द बो समारोह में आपके सारंगी वादन ने दुनिया के तमाम लोग जो वहाँ थे सबको मोहित कर दिया। इसके अलावा वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, बीबीसी मिलेनियम कॉन्सर्ट, एशिया पैसिफिक फेस्टिवल जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आप भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। चीन के राष्ट्रपति, नॉर्वे के प्रधानमंत्री से लेकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और आर वेंकटरमन ने भी आपके सारंगी वादन की सराहना की है। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्रीज के लिए भी संगीत देते आ रहे हैं। स्वागत कीजिए उस्ताद कमाल साबरी साहब का। और तबले पर उनके साथ संगत कर रहे हैं अरशद खान साहब, जो पद्म भूषण उस्ताद अहमद जान तिरकवा साहब के नवासे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आज यहाँ आपके समक्ष अपनी प्रस्तुति देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मुझे ये सेवा का अवसर प्रदान किया गया महाराज श्री के कारण। आपकी सेवा राग बागेश्री, बागेश्री राग में ऐसी रचना जो भगवान कृष्ण पे आधारित है, और दो रचनाएं बजाऊंगा, पहली राग बागेश्री में और दूसरी राग किरवानी में। तो आशा करता हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक इसका आनंद लेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। चंद शब्द मैं बोलना चाहूँगा सारंगी के बारे में। सारंगी हमारे भारत का सबसे पुराने वाद्य यंत्रों में से एक है। इसका वर्णन 13वीं सेंचुरी में एक किताब लिखी गई थी संगीत रत्नाकर, उसमें है। इसकी शक्ल मुख्तलिफ थी और उसका नाम था पिनाकनी वीणा। तो पिनाकनी वीणा इसकी फोर फादर्स मानी जाती है सारंगी वाद्य यंत्र की। सारंगी का लिटरल मीनिंग है सौरंगी, एक ऐसा वाद्य यंत्र जिससे आप भिन्न प्रकार का संगीत निकाल सकें, और ये इंसानी आवाज़ के सबसे ज़्यादा नज़दीकी साज माना जाता है। इसको मैं नाखून के ऊपरी हिस्से से बजाता हूँ, जो एक यूनिक और शायद यही एक ऐसा वाद्य यंत्र है दुनिया में जो नाखून के ऊपरी हिस्से से बजाया जाता है, वरना वायलिन या सितार, गिटार वगैरह देखेंगे तो टिप से बजाया जाता है। तो ये चंद अल्फाज हैं जो सारंगी के बारे में जानने ज़रूरी हैं। तो बाकी जो बंदिश है वो मैं आपको गा के भी सुनाऊंगा, ताकि उसके शब्द के बारे में भी आपको पता लगे।
मुझके नंदलाला पूर्व मुचन मुझके नंदलाला पूर्व मुचन मुझके नंदलाला गोकुल में जन्म लियो गोकुल में जन्म लियो जग में जियारा Thank you.
थैंक यू। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094443 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छटिकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756400, मोबाइल 9212210143, वेबसाइट www.vsscity.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vsscity.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी।